हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन तो मेरी वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए दो प्रकार की आज हमने लिए हैं तीन प्रकार का ये ऊल लिया है इसी से हम डोरमेट बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अग अलग और न्यू डिज़ाइन का डोरमेड बनाएँगे तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से हम पंदे डालेंगे ठीक है देखिए मैं इस प्रकार से मैंने इसमें फंदे डाले हैं बीस फंदे डाले हैं आपको जितना कम ज़्यादा डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे एक दो ठीक है दो फंदे हमने इसके बुने उसके बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच ठीक है मैंने यहाँ पे पांच फंदे बुन लिए बुनाई करने के बाद यहाँ से देखें इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह देखिए दो फंदा आप यहाँ पे हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट देंगे ठीक है यहाँ से पलटने के बाद सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना जो जैसा है वैसे ही बुन लेना है आप देखें यहाँ पे हमने इस तरीके से तीन फंदे यहाँ पे बुन लिए और आगे की साइड एक दो देखिए इस तरीके से सभी फंदों को नीचे की साइड बुनेंगे, ठीक है इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा तो नीचे की साइड आप फिर से हम यहाँ पे पहले रो में दो फंदे छोड़े फिर से दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे अब देखें सीधी साइड से इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है नौ फंदे हमने बुन लिए अब यहाँ से पलट देंगे इसे क्रॉस कराते हुए आगे की साइड यहाँ पे एक फिर से पलट देंगे और इसे आगे की साइड लेंगे आप जैसे बड़ा बना रहे हैं ना तो आप यहाँ पे जो ये हमने पिंक कलर के एक फंदा छोड़ा आप यहाँ पे दो छोड़ सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक रो बनाई आप दो बना सकते हैं ठीक है वो भी आपको अच्छा लगेगा तो देखिए अब यहाँ से तीन फंदे हमने येलो के बुन लिए और यहाँ से पलट देंगे पिंक कलर को लेंगे और यहाँ पे पिंक से पिंक को बुनेंगे ठीक है अब यहाँ पे येलो को हम येलो से बुनेंगे इस तरीके से एक पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे ठीक है इस तरीके से यहाँ पे हमने जो जैसा था वैसे ही बुन दिया उसके बाद यहाँ से हम पलट देंगे बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है तो वीडियो में इन तक बने रहे और देखें बहुत ही प्यारी से डिज़ाइन बिल्कुल अलग लुक देने वाला मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल अलग डिज़ाइन मिलेंगी तो देखिए मैं बिल्कुल न्यू अलग डिज़ाइन बनाती हूँ ठीक है आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे डिज़ाइन्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे देखिए यहाँ से पलट देंगे अब यहाँ पे पिंक कलर को लेंगे इस तरीके से दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है अब तो फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट देंगे इस तरीके से अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे देखिए यहाँ से एक फिर से पलट देंगे देखिए इस तरीके से एक दो तीन देखिए तीन फिर से पलट देंगे यहाँ पे एक पलट दिया और यहाँ से एक और किनारे का फंदा सीधी साइड से ठीक है यहाँ पे सीधी साइड से लेंगे और पलट देंगे इस तरीके से अब यहाँ पे इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से देखिए यहाँ पे एक दो और फिर से हम येलो से बुनेंगे एक दो तीन ठीक है इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच ठीक है अब तो फंदा छोड़ते हुए फिर से हम यहीं से पलट देंगे ठीक है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और सीधी साइड से लेंगे यहाँ पे एक और पलट देंगे सीधी साइड से लेंगे दो तीन ठीक है फिर से पलट देंगे यहाँ पे आप सीधी साइड से लेंगे और देखें यहाँ पे इस तरीके से तो इस तरीके से मैंने बनाया और यहाँ से देखें पलट देंगे अब देखिए आप आपको ये इसके आगे क्या करना है देखिए यहाँ पे इसे उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे से दो फंदे हम येलो से बनाएंगे और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक दो तीन चार ठीक है वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में बोलेंगे कि समझ में नहीं आया तो प्ली प्लीज़ वीडियो को फुल देखें और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दें तो देखिए इस तरीके से आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट करें और न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं ठीक है सब्सक्राइब का कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं होता है क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कुछ लोग सोचते हैं कि इसका कोई कहीं पैसा ना कट जाए या फिर ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर हमारी डिज़ाइन अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब देखिए सब्सक्राइब अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें ठीक है इस तरीके से आप यहाँ से पलट देंगे और सीधी साइड से लेंगे ठीक है इस तरीके से मैंने इसकी एक कली बनाई ठीक यहाँ पे बनाई अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बनाना है यहाँ पे आप कलर को ऐड करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हम एक रो कंप्लीट येलो से बनाएंगे ठीक है आपको कंप्लीट रो बना लेनी है येलो से देखिए इस तरीके से मैंने इसकी एक रो बनाई उसके बाद अब यहाँ से देखें यहाँ से हम कलर को ऐड करेंगे देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर को ऐड करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ तो यहाँ पे उल्टा और सीधा मैं एक रो बनाऊँगी अब ये देखिए उल्टा और सीधा मैंने इसकी एक रो बना ली और बनाने के बाद देखें यहाँ से एक दो ठीक है दो फंदे अपने बुने और यहाँ से पिंक कलर को फिर से ऐड करेंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक है पांच फंदे हमने बुने और बाकी बचे हुए फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अब दो फंदे नीचे की साइड छोड़ते हुए यहीं से पलट देंगे अब जो जैसा है वैसे ही हमें यहाँ से बुनाई करनी है अब यहाँ पे तीन फंदे एक दो तीन तीन फंदे हम इसी के बुनेंगे और यहाँ पे एक पर पिंक से बुनेंगे बाकी बचे हुए फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और देखें यहाँ पे दो छोड़ते हुए यहीं से पलट देंगे ठीक है पलटने के बाद सेम प्रोसेस में बनाएंगे अब देखें यहाँ पे दो फंदा फिर से छोड़ते हुए यहीं से हम पलट देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की साइड कंप्लीट फंदे बुनेंगे एक दो तीन पलट देंगे देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच और पलट देंगे देखिए इस तरीके से ग्रीन को हम ग्रीन से बुनेंगे एक दो और पलट देंगे देखिए सीधी साइड से लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे देखिये यहाँ पे इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस ठीक है हमने बीस फंदे टोटल बुन लिए अब यहाँ से सीधी साइड से बुनेंगे देखिए इस प्रकार से सभी कलियों को हम बनाते जाएंगे कंटिन्यू और हमारा डोरमेट बनके रेडी हो जाएगा